बहुत अच्छे है, किस संबंध में आ जाए तो क्या प्रोग्राम? मैं अमर सिंह गंगवार हूँ और अभी नवीन दायित्व मुझे प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ का दिया गया है। मेरा पहला दौरा है इधर का, कार्यकर्ता सम्मेलन है एक तरीके से, और यहाँ पर श्रीमान राहुल आत्रे जी हैं, इनको मंडल का प्रभार दिया गया है, मंडल प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे माननीय भानु प्रताप सिंह जी हैं, गौरक्षक है प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान संजीव अग्रवाल जी को बनाया गया जो मेरठ से हैं, और हमारे सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पे हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह तोमर जी। इन लोगों के अध्यक्षता में, इन लोगों की देख रेख में ये विश्व हिंदू महासंघ का कार्यक्रम इधर हो रहा है। और आज सर्किट हाउस से यहाँ पे आए हैं तो पहला दौरा यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। यहाँ की कुछ समस्याएं भी अभी हमें बताई हैं यहाँ पुजारियों ने, तो हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि जो इस मंदिर की जो कानूनी प्रक्रिया हो, हिंदुओं का आस्था का केंद्र है भगवान गुरुक्षनाथ भगवान का केंद्र है, ये तपोवन स्थली है, तो हमें चाहते हैं कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और यहाँ के किसी भी आदमी को, किसी भी पुजारी को, मंदिर से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रताड़ित ना करे, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षनाथ मंदिर जो यहाँ का है, यहाँ के पूरे सपोर्ट में है और हम भरपूर मदद करेंगे। आवाज़ क्या होती है, हिंदुत्व का काम है, हमारा संगठन इसीलिए बना है, जहाँ पे हिंदुओं पे, हिंदुओं के कार्यक्रम में हिंदुत्व के किसी भी तरीके के कोई व्यवधान डालेगा, चाहे वो कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। मंदिर का कोई अगर प्रशासन से लेकर, शासन से लेकर कोई भी कुछ करता करता है, एक मूवी का विरोध भी कर रहा है जिसको लेकर कई बार पुतले दहन भी किए गए हैं, तो उसको लेकर क्या? नहीं, उसमें विश्व हिंदू महासंघ ने पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में इसका पुरजोर विरोध किया है, और हम जितने भी सनातनी हैं उनसे ये कहना चाहेंगे कि कोई इस पिक्चर को देखे ना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता जो खान गैंग है, ये हो सकता है कि जो आज आसमान पे घूम रहा है कल जमीन पे भी रहने की जगह नहीं मिले। पिक्चर रिलीज होती है, पिक्चर चली तो क्या रहेगा? पिक्चर रिलीज भी होती है तो हम उसका विरोध करेंगे।